आज सुबह 8 बजे हम निकल पड़े लाहौर की जानिब। हमारी तलाश है ऐसी बिरयानी जिसको एक बार खाया जाए और उसकी बार बार याद सताए। तो सुबह का आगाज़ हमने 8 बजे किया हमारे सफ़र का, और हमने आगे सोचा कि क्यों ना आगे लाहौर पहुंच के सफ़र बाइक पे किया जाए ताकि कम से कम टाइम में हम लोकेशन पे पहुंच सकें। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये हम गजाफी स्टेडियम जो है उसके बिल्कुल सामने से गुजर रहे हैं, जिसको बिरयानी नहीं भी पसंद, अगर वो एक दफ़ा बिरयानी मास्टर का जायका चखता है तो उसके बाद वो बिरयानी का फ़ैन हो जाता है। तो आज हम टेस्ट करेंगे बिरयानी मास्टर की स्पेशल बिरयानी। बस आपके साथ कुछ ऐसा है, बिरयानी हमारी आ चुकी है। बिरयानी में हमें ये देखें, एक चिकन पीस आ गया बीच में, कुछ सैलेट आ गया और ये रायता आ गया। ये रायता है, अब हम ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ का हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि यहाँ पे जो एक दफ़ा बिरयानी खा लेता है वो बिरयानी का फ़ैन हो जाता है। तो हम डालेंगे थोड़ा सा रायता और हम चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है, इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट काफ़ी मज़ेदार है, अभी एक बाइट लिया है, अभी कुछ समझ नहीं लग रही। आगे ट्राई करते हैं क्या हिसाब किताब है और कैसी बिरयानी है। तो बिरयानी हम ख़त्म कर चुके हैं, बिरयानी मास्टर की। नाम से पता लगता है कि बंदा बिरयानी में बड़ा मास्टर है। तो हिसाब किताब कुछ ऐसे है, मैंने अभी तक इस तरह की बिरयानी नहीं खाई। वैसे बिरयानी का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पुलाव चावल ही खाता हूँ ज़्यादा। तो आज मैं भी फ़ैन हो गया हूँ बिरयानी का। तो अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो 10 out of 10 ही करूँगा, क्योंकि वैसी सीन था भाई बिरयानी का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे, देखते हैं क्या हिसाब होता है, और गली प्रोडक्शन को देखते रहें और ऐसे ही मज़े मज़े के खाने देखते रहें और अपने मुंह से पानी निकालते रहें और हम ऐसे ही खाते रहेंगे और आपको तड़पाते रहेंगे।